धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी के कथन अनुसार मनुख अधूरा ही जमदा, तन करके भी मन करके भी। नवे जन्मे बच्चे को पैर हैं, चल नहीं सकता, हथ हैगे ने कुछ भी नहीं कर सकता, जबान है अजे बोलना भी कोई नहीं, अखां हैगियां ने पर सही नहीं वेख सकदियां, मां दी गोद दे च है पर इतनी इतनी भी समझ नहीं है मेरी मां है, पिता लाड प्यार कर रहे है पर इसनों ये भी बोध नहीं ये मेरा पिता है। हर पक्षों ये बच्चा अधूरा है, अपने रिजक की तलाश भी नहीं कर सकता, अजे मूंह दे दंद भी कोई नहीं। सहजे सहजे ये भोजन का पुतला भोजन दे राही एक दिन अडल्ट हो जाता है, बालग हो जाता है, शरीर करके मुकम्मल हो जाता है, लेकिन फिर भी गुरबाणी के कथन अनुसार 40 साल तक शरीर विच विकास होता रहता है, नवे सैल बनते रहते। 40 सी पुर होए 85 पग खिसे सठी के बुढ़ेपा। 40 साल ते जाके शरीर पूर्ण तौर ते पूरा हो जाता है, हुण इस विच विकास रुक जाता है, हुण लहाई है उतार है, सहजे सहजे शरीर शिथिल होएगा, केस चिट्ठे होणगे, बुढ़ेपा प्रगट होगा। तन अधूरा जमदा है, प्रकृति उसनों पूरा कर देती है। मन अनंत जन्मा तो अधूरा ही है। मन तो मुराद है विचारां दा प्रवाह, सोचनी दा प्रवाह, यादां दा प्रवाह, यह अधूरा क्यों है? इहदे विचारां दे संसार ते है, निरंकार नहीं है। एदी सोचनी देच, एदी समझ देच परवार ते है, करतार नहीं है। एदियां यादां देच पदार्थ ते है, परमात्मा नहीं है। इनू परवार ते धन संपदा दे ते माण है, परमात्मा ते माण नहीं है। इना चार शक्तियां दे मजमुए नू ही मन कहिंदे ने, मन बुद्ध चित अहंग। अहंग भाव मैं हाँ, ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ऐसा ख्याल अंदर बनया रहता। इन्हां चारां विच जिस दिन परमात्मा आ जाता है, विचारां विच परमात्मा आ जाता है, समझ विच परमात्मा आ जाता है, यादां विच परमात्मा आ जाता है, ते फिर मनुख माण भी परमात्मा ते करदा है। माण करो तुद ऊपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। कल तक माण सी इसनों जवानी दा, परिवार दा, बाहुबल दा, धन संपदा दा, अज इसनों माण ते है, निमाणे होके जीवना बड़ा औखा है, पर माण है परमात्मा ते। माण करो तुद ओ परे, मेरे प्रीतम प्यार। तान माण दीबाण साचा, नानक के प्रवटे। परिवार का माण एक दिन मनुख नू निमाणा कर देंदा है, धन संपदा जवानी ताकत का माण एक दिन निमाणा कर देंदा है, माण सदी भी नहीं रहिंदा। पर जिन्हों परमात्मा ते माण है, पर इस माण की प्राप्ति हुई है जिसनों, ऐसा मनुख कदी निमाणा नहीं आता, कदी निताणा नहीं आता, कदी निआसरा नहीं आता। उन्हों सदीवी ओट लभ जाती है, उन्हों सदीवी ताण लभ जाता है,
इस वास्ते उसका माण भी सदैव बनिया रहिंदा है। जितने चिर तक सोचने दे च विचारां दे च यादां दे च परमात्मा नहीं आया, मनुख अधूरा है, अधूरा है, अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, एक दिन अधूरा ही मर जाता है। लोग कहिंदे ने फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया, जमया अधूरा, जीविया अधूरा, मर के किस तरह पूरा हो गया। हर एक दी इतनी समझ देते है कि मनुख पूर्ण होण वास्ते आया है, पर पूरा किवें होवेगा इस नूं समझ नहीं, इस नूं बोध नहीं है। अधूरापन अखरदा है, अखो अधूरापन व्याकुल करदा है, मन का बेचैन होना, मन का परेशान होना, मन का चिंतातुर होना, मन का दुखी होना, मन के अधूरे होने की पहचान है, मन के अधूरे होने की निशानी है। अगर अंदर चिंता ही चलती है, फिक्र ही चलता है, भय चलता है, होर तरह तरह के विकार चलते ने, यह मन अधूरा है। और जिन्ने चिर तक मन पूरा नहीं आता, कोई भी पूरा नहीं है। तो मन किवें पूरा होगा? पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गा, पूरे के गुण गांदियां गांदियां एक दिन पूरा हो गया। विचारां च परमात्मा आ गया, सोचने च परमात्मा आ गया, यादां विच परमात्मा आ गया, हुण माण भी परमात्मा ते पूरा हो गया। जितने चिर तक मनुख दा मन नहीं पूरा होया, जन्म मरण चलदा रहिंदा है, चलदा रहिंदा है। ये यात्रा बड़ी लंबी हो जाती है। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे, दुख भोजन भोगण वास्ते आखिर जन्म ते चाहिदा है। जमा दी मार जन्मा दी मार है, दुख भोगण वास्ते जन्म ते चाहिदा है। जन्म मरण ही दुख है, और दुख जितना वध जाए कुंभी नरक हो जाता है। नरक किनू कहिंदे ने? असह अथाह दुख। स्वर्ग किसनू कहिंदे ने? जो सुख है। नाम जपद्या जपद्या मनुख एक दिन सुख दुख दोहां तो उच्चा उठ के आनंदमई अवस्था च पहुंच जांदा है, परमात्मा दे च लीन हो जांदा है। क्योंकि संसार दे मिले हुए सुख आखिर दुख दे च बदलदा है। आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है, आनंद कदी कलेश दे च नहीं बदलता। आनंद सुख नहीं है, सुख ते पदार्थ तो भी मिल जांदा है, सुख ते परिवार तो भी मिल जाता है, सुख ते धन संपदा तो भी मनुख ले लैंदा है। आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है। इस वास्ते धन गुरु अमरदास जी महाराज कहिंदे ने, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने। मिलिया सुख है इसनों आनंद कह रहे हैं। सुख आके चला जाता है, आनंद आके नहीं जाता। मिलिया होए ना बिछड़े, नहीं बिछड़ता। सुख पदार्थां तो मिल सकता है, आनंद परमात्मा तो मिलता है। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु दा मिलना आनंद दा मिलना है, परमात्मा दा मिलना आनंद दा मिलना। तो तन नू पदार्थ मिल गए ते तन पूरा हो गया, मन नू परमात्मा मिल गया ते मन पूरा हो गया। ऐसे पूर्ण पुरख दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी दे संस्कृति श्लोकां विच लक्षण बयान कर देना। अधूरे दे भी लक्षण ने, चिंता च होवेगा, फिक्र च होवेगा, अधूरा मनुख। आनंद दे च है, ये पूर्ण पुरख है, और ये चों ही कुछ लक्षण प्रगट होणगे।
पहला मंत्र राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है। उसकी जबान से परमात्मा का नाम वसया होया होता है। वाहेगुरु वाहेगुरु जबान रटते पई है, वाहेगुरु वसया कोई नहीं। वाहेगुरु वस गया पहचान, रस आएगा, आनंद आएगा। अगर रस आन लग पे है, तो परमात्मा का नाम रसना ते वस गया, वरना नहीं। पहला लक्षण उदी रसना ते प्रभु वसया होंदा है। इस वास्ते उदे कोल वाक सिद्धि आउंदी है, वो जो भी बोलता है व्यर्थ नहीं जाता। उदा वाक कम करता है, सतगुरां दी बाणी उसकी तस्दीक करती है। साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला बिरथा ना जाए। नहीं व्यर्थ जाता, कम करता है, वो बोल खाली नहीं जाता। दूजा लक्षण ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है। दूजा उदे लई दुख सुख एक समान, जैसा दुख वैसा ही सुख, जैसा सुख वैसा ही दुख। सुख की भी लोड़ है, यकीन जानो दुख की भी लोड़ है। बिना दुख की चोट तो भी मनुख जागदा नहीं है, ये भी मैरज करते हैं। कहते हैं दुख भूख सदमार ए भय दात तेरी दातार। दुख नू भी अनेक दातां विचों गुरु नानक देव जी कहिंदे ने एक दात है। तबले ते चोट ना करिए ताल नहीं निकलदे, सितार नू जरब ना पहुंचाइए नगमा नहीं निकलदा, संगीत नहीं निकलदा। मनुख भी ऐसा है, जिन्ने चिर तक इनू कोई चोट ना लगे इहदी जबान तो वाहिगुरु नहीं निकलदा, नहीं निकलता। एक आलम तो ऐसा कहता है जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। कहता है जद भी मेरे ते किसी भी दुख ने चोट की है, जिंदगी नो कोई नवा रस्ता मिले है, कोई नवा दरवाजा खुले है, कोई नवी समझ मिली है। हर दुख ने मैनू नवा बोध दिता है, नवा रस्ता दिता है। जख्म जब भी को जहनों दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। जिंदगी भी एक साज है, बिना जरब तो ये भी रब्बी संगीत नहीं निकलता, रब्बी नगमा नहीं निकलता। शेख सादी की एक लंबी चौड़ी नजम है, वो एक भाव है, एक निका जहा। सब तो ज्यादा वो मनुख दुखी है जिड़ा कदी दुखी नहीं होया। ये मैनू पढ़ के हैरानगी हुई भी ये फकीर कह की रहा। सब तो ज्यादा रूहे जमीन ते ओ दुखी है। कौन दुखी है? जिन्हों कदी दुखां दी चोट लगी ही नहीं, अनाड़ी रह जाएगा। कुमार भांडा बनांदा है कड़ा या कुछ भी, फिर उसनों थप थपांदा है, थपकी देंदा है, थप्पड़ मारदा है, उहदे च विंग कटदा है। मिट्टी का घड़ा या सुराही प्याली ए आके तो हुण थप्पड़ क्यों मारदा है? अगर किधरे इस मिट्टी की सुराही कोल जबान होवे और समझ होवे, अकल होवे, उहनू समझाया जा सकदा है, तेरे विंग कढ़न वास्ते ही तेनू थप्पड़ मारे जा। फिर कुमार उसनू अग दे च पांदा है, ते हुण घड़ा रोवे सुराई रोवे आके लै हुण तू मैनू अग दे च पाण लगा है तेनू पकाण वास्ते।
ताकि तेरे च पानी टिक सके। है घड़े तू कच्चा है, पानी नहीं टिक सकेगा। तैनू पकाना है, संसार दे दुख मनुख नू पकांदे ने। हर दुख कोई नवा दरवाजा खोलदा है। जो इस ढंग नाल आए हुए दुख दा स्वागत करदा है, एक दिन दुख सुख दोहां तो उच्चा उठ जांदा है और आनंदमयी अवस्था नू प्राप्त करदा है। नरक स्वर्ग दोहां तो जो है उच्चा उठ जांदा है। तो महाराज कहिंदे ने दूजा उसका लक्षण है, उहदे लई ज्ञान ऐसा है कि वह दुख सुख एक समान करके समझता है। दुख सुख एक समान, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है। तीसरा लक्षण उसका है, उसकी दया सारिया जीवों ते, वह दया करता नहीं, दया उहदे चों निकलती है। भावें कोई होवे भावें ना होवे, खिड़े हुए फुल दे चों ते महक निकलती है, सौपण निकलता है। भावें कोई वेखण वाला है तो भावें नहीं, भावें कोई सुगंध माणन वाला है भावें नहीं, पर महक ते डुल डुल के पैंदी है, सुहपण ते डुल डुल के पैंदा है। पूर्ण पुरख दे अंदरों दया डुल डुल के पैंदी है। दोनुख ते बड़े ध्यान नाल सुनना, चोर दे अंदर विकारी दे अंदर विकार हर वक्त चलता है, चोरी हर वक्त चलती है। कृत दे च उदों प्रगट होंदी है जिथे उसनों मौका मिल जाए, क्योंकि हर जगह चोरी करन दा मौका नहीं है, हर एक जगह कतल करन दा मौका नहीं है, हर एक जगह दुराचार करन दा अवसर नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना, एक पेशावर कातल दे अंदर कतल दी भावना ते हर वक्त चलती है, हर वक्त चलती है। कृत दे च उदों प्रगट होंदी है जिथे उसनों मौका मिल जाए। एक चोर दे अंदर चोरी हर वक्त चलती है, हर वक्त चलती है, भावें वह किधरे भी बैठा होवे। कृत दे च उदों प्रगट होंदी है जिथे उसनों मौका मिल जाए। एक दुराचारी दे अंदर दुराचार हर वक्त चलता है, हर वक्त चलता है। कृत विच उदों प्रगट होंदा है जिथे उसनों मौका मिल जाए। एक संत दे अंदर दया हर वक्त चलती है, परोपकार हर वक्त चलता है। कृत विच उदों प्रगट होंदा है जिथे किसी नूं लोड़ पै जाए। उम्मीद है गल समझदे चाहिए। ये नहीं कि संत दे अंदर किसी वक्त दया आती है तो किसी वक्त नहीं आती। पूर्ण पुरख दे अंदर किसी वक्त दया आती है तो किसी वक्त नहीं, ऐसा नहीं है, हर वक्त आती है। एक पूर्ण पुरख दे अंदर दया हर वक्त चलती है, परोपकार हर वक्त चलता है। कृत दे च उदों प्रगट होंदा है जिथे लोड़ पै जाए। किथे परोपकार करना है, किथे दया नूं कृत देनी है। इसे तरह एक दुराचारी दे अंदर दुराचार हर वक्त चलता है, हर वक्त चलता है। कृत दे च उत्थे प्रगट होंदा है जिथे इसनूं मौका मिल जाए। विद्वान ते ऐसा भी कहिंदे ने, चोरी छोटी वड्डी हो सकती है, चोर सारे इक्को जिहा आउंदे ने, इक्को जिहा। इस वास्ते पंजाबी ते आम एक मुहावरा है, कक्क दी चोरी लख दी चोरी इक्को जिही। क्यों? एक ने लखां चुरा लेने, एक ने सिर्फ कक्ख चुराया है, ये दोवें बराबर किस तरह हो गए? कानून की दृष्टि, समाज की दृष्टि भावें बराबर ना होवन, धर्म की दृष्टि बराबर ना। जिन्हों मौका छोटा मिलिया उन्हें कख चुराया, जिन्हों मौका वड्डा मिलिया उन्हें लख चुराया। गल तो मौके की चोरी तो उसके अंदर है सी,
अगर उसनों वड्डा मौका मिल जाए तो लख भी चुरा सकता है, क्योंकि मौका वड्डा ने ते मौके वड्डे हर वक्त उपलब्ध नहीं होते, मौके वड्डे ताकतवर नूं उपलब्ध होते। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, पर इतिहास दे चों नूं कातल नहीं आख्या जांदा, डिक्टेटर आख्या जांदा। एक बंदे दा कातल कातल हो जांदा है, 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल बादशाह हो जांदा, डिक्टेटर हो जांदा। एक दी जेब कटण वाला चोर हो जांदा है, सारे मुल्क दी जेब कटण वाला हुक्मरान हो जांदा है, मिनिस्टर हो जांदा है, बादशाह हो जांदा है। जो छोटी चोरी कीती है, जिसने कख चुराया, उसनों मौका छोटा मिले, उहदे कोल समर्था छोटी है। अगर इहदी समर्था वध जाए, इहनूं मौका वड्डा मिल जाए, लख वी चुरा सकदा है। इस वास्ते बिल्कुल ठीक है, कख दी चोरी लख दी चोरी इको जिहा। चोरी छोटी वड्डी हो सकती है, चोर सारे इको जिहा हुंदे ने। बदमाशी छोटी वड्डी हो सकती है, बदमाश सारे इको जिहा ने। कतल छोटे वड्डे हो सकते ने, कातल सारे इको जिहा ने। एक नूं मौका छोटा मिलिया, छोटा काम कीता है, एक नूं मौका वड्डा मिलिया, काम वड्डा कर बैठा। तो बड़े ध्यान नाल सुनना, चोर दे अंदर चोरी हर वक्त चलती है, हर वक्त चलती है। कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे उसनों मौका मिल जाए। एक पूर्ण पुरख दे अंदर दया हर वक्त चलती है, हर वक्त उसका हिरदा दया नाल भरिया हुंदा है, परोपकार नाल भरिया हुंदा है। कृत दे च परोपकार उत्थे प्रगट आउंदा है जिथे लोड़ पै जाए। कृत दे च दया उदों प्रगट आउंदी है जिथे लोड़ पै जाए। इस वास्ते यह मतलब नहीं है कि पूर्ण पुरख दे अंदर किसे वक्त दया आउंदी है ते किसे वक्त नहीं आउंदी, हर वक्त आउंदी है, हर वक्त उसदे अंदर परोपकार दी बिरती आउंदी है। दया नाल उसका हिरदा हर वक्त भरिया आउंदा है, तां ही ते जिथे लोड़ पै जांदी है दया प्रगट हो जांदी है। जिथे लोड़ पै जांदी है उत्थे परोपकार प्रगट हो जांदा है। तो सतगुर फरमान पै करदे ने तीसरा लक्षण, दयालन सरबत्र जी पंच दोख विवर्जते। मैं पढ़ रहा सी जब अमेरिका आजाद होया तो उसका पहला प्रेजिडेंट बनया सदर लिंकन, अजे भी अमरीकन उसका बड़ा सत्कार करते हैं, सन्मान करते हैं। कहिंदे पार्लियामेंट हाउस जा रहा सी, अपनी बग्गी ते बैठे होया, उदों कारां नहीं सन, रस्ते देच दलदल देच फसिया होया सी एक सूर। रथवाई नूं आखिया रोक रथ, बग्गी रोक, रोकी उसने, आप उतरिया दलदल देचों सूर नूं कढ़िया, तो कुदरती कपड़े खराब हो गए, हाथ पैर खराब हो गए। दया अंदर इतनी सी, कोचवान नु नहीं आख्या, बग्गी चलाण वाले नु नहीं आख्या तू कड, क्यों? बग्गी चलाना इसका कम है, दलदल विच जाके सूअर नु कढ़ना इसका कम।